हाँ सोनल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा सोनल जी, आप इतनी मेहनत करके आईएएस अधिकारी बन गए, जी यहाँ तक आप पहुँच गए, जी तो एक यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए यही मेरा मैसेज है। मैं हमेशा से इसी बात पे बिलीव करती हूँ कि हम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी कैपेसिटी में, किसी भी तरीके से अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। इसी मकसद से मैंने सिविल सर्विसेज में प्रवेश किया था, इसी मकसद से मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखा और अब लगभग 13 साल की मेरी सर्विस हो चुकी है। इसी मकसद से मैं आगे बढ़ रही हूँ और जिनका भी सपोर्ट मुझे मिला है उन सभी को धन्यवाद। और यूथ के लिए विशेष रूप से मेरा मैसेज ये है, जो मैंने कल सुबह मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट भी किया था कि कुछ अलग करने की ठानी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो देना पड़ेगा। तो मैं रिपीट करती हूँ कि आप सबने अगर कुछ अलग करने की ठानी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। हम सभी, हमारे सारे जो युवा साथी हैं, अपना एफर्ट देते रहें, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देते रहें, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। वाह, क्या आप तो क्या सुपर बोलते हैं, क्या सुपर बात की आपने। तो आप थैंक कितना यू। वर्कआउट करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती, बट हाँ, पहले मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं एक्सरसाइज के मामले में या फिजिकल फिटनेस के बारे में पहले बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। विमेन की, महिलाओं की बॉडी में एक हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी आते हैं, स्पेशली हमारी मैरिज के बाद, जी, और विशेष रूप से जब विमेन प्रेग्नेंट होती है, उसके जब बाद माँ बनती बेबी है। डिलीवर होता है, तो बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, वेट गेन होता है। तो ये जो नेचुरल साइकिल है, ये हर औरत जो इस स्थिति से गुजरती है उसको इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन उसके बाद जो वेट गेन जो होता है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मेरी हुई 2013 में मेरी डॉटर का बर्थ हुआ, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत किया बट बहुत ज़्यादा मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया फ्रेंकली, और मेरा वेट गेन भी हो गया। लेकिन 2017-18 अगर मैं बात करूँ तो वो एक लाइफ में मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। और 2018 में, विशेष रूप से 2018 में जनवरी फरवरी से मैंने, मेरी पोस्टिंग तब झज्जर में थी, मैं डिप्टी कमिश्नर थी, और वहाँ पे स्टेडियम जाना शुरू किया और वर्कआउट को लेके, अपने फिटनेस को लेके मैंने ध्यान देना शुरू किया। और तब कुछ महीनों में मेरा 15-16 किलो मैंने वज़न कम किया और घर रह के ही, कोई जिम नहीं ज्वाइन कर पाई थी। तो अभी आप फिट और हैं, तो आप कितनी देर वर्कआउट अभी करते हैं? अभी मैं फिट तो नहीं हूँ बट हाँ, हेल्दी हूँ। आई वुड से लाइक दिस कि मैं हेल्दी फील करती हूँ। सुबह अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 45 मिनट निकालें, 1 घंटा निकालें, लेकिन कुछ ना कुछ या तो सुबह करें या शाम को करें। तो मेरा कोशिश ये रहती है, जो आप पूछ रहे हैं कि मैं कितना टाइम निकालती हूँ, लगभग 1 घंटा मेरा निकालने का दिन में कोशिश रहता है हमेशा। तो जी, आज कैसा लगा आपको? आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स करी हैं, इतने इतने चुनौतियों का सामना किया है, और उससे आप इस स्टेज तक पहुँचे, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आप एक्चुअली बधाई के पात्र हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा है। और मेरे को बहुत सारी बातें आपके बारे में नहीं पता थी जो आज आपसे मिलके मुझे जानने को मिली, बहुत खुशी हुई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।